हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स कुक विद स्वाति। फ्रेंड्स, आज जो मैं डेजर्ट की रेसिपी लाई हूँ, इसे खा के आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं या केक खा रहे हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक ग्लास की ट्रे ली है, आप चाहें तो इसकी जगह एक स्टील ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। उस पर हम स्प्रेड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, उसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, यानी कि इसकी एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद बोल या ग्लास से हम इसे धीरे धीरे प्रेस करके हम इसे एक सा कर देंगे। चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, गैस का फ्लेम हाई रखा है। अब हम यहाँ डालेंगे 2 कप्स मिल्क, यानी कि यहाँ मैंने 1/2 लीटर मिल्क का यूज़ किया है, जो कि है फुल क्रीम मिल्क। अब हम इसमें 6 to 7 स्पून शुगर डालेंगे। शुगर अच्छे से डिजोल्व हो जाए मिल्क में, तब तक हमें इसे बॉईल करना है मिल्क को। जब तक मिल्क बॉईल हो रहा है, तब तक हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमें मिल्क को थिक करना है। तो यहाँ मैंने 4 to 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, जिससे कि इसमें लम्ब्स ना आ जाए। देखिए, मिल्क बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुका है। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी, वो इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और चलाते जाएंगे, जिससे कि इसमें लम्ब्स ना आ जाए। अब हम इसे बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे गाढ़ा करना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब हम स्पैचुला उठा के देखेंगे, उसे फिंगर से इसे रब करेंगे, तो कॉर्नफ्लोर की स्लरी इस पर चिपकी हुई होगी। हमें तभी तक इसे पकाना है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। मिल्क और कॉर्नफ्लोर की स्लरी जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तब हम इसे ट्रे में डाल देंगे, अच्छे से डालेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी बना सकता है, इवन बच्चे तक इसे अगर ट्राई करें तो आराम से बना सकते हैं। ये हमने बढ़िया तरीके से इसके ऊपर डाल दिया है। अब आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए चाहें तो साइड में रख दीजिए, नहीं तो फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक चलिए इसकी क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 बोल व्हिपिंग क्रीम लिया है, ये हैवी व्हिपिंग क्रीम है। हमें ये क्रीम बिल्कुल चिल्ड लेना है। चिल्ड लेने से क्या होता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बीट होने में। पहले हम इसे स्लो स्पीड पर बीट करेंगे, जब इसमें अच्छी सी थिकनेस आने लगेगी, उसके बाद हम इसे फुल स्पीड पर बीट करेंगे। तो चलिए, मैंने स्लो स्पीड पर बीट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ ऑरेंज फूड कलर डाला है, आप चाहें तो कोई भी फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ डाला है शुगर पाउडर। बढ़िया तरीके से इसे बीट करते हैं पहले हम, जिसमें कि इसमें पीक्स बनने लगें। अब हमने जो क्रीम को बीट किया था, उसे मैं कोन में भर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट स्पैचुला से भी स्प्रेड कर सकते हैं, बट पहले मैं आपको कोन से करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट डाल के दिखा देती हूँ। ये मैंने कोन में फिल कर लिया है। अब हम कोन आगे से कट कर देंगे, जिससे कि ये क्रीम थोड़ी मोटी मोटी क्वांटिटी में निकल सके।
चलिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये सेट हो चुका है। एक बार टच करके देख लेते हैं इसे, ये बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है, गीला गीला नहीं है अभी। अब हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। फ्रेंड्स मैंने कहा था ना, या तो आप इसे कोन से डाल लीजिए या आप इसे डायरेक्ट स्पैचुला से डाल लीजिए। मैं एक बार इसे कोन से डाल देती हूँ, जब कोन फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं इसे डायरेक्ट स्पैचुला से डाल दूँगी। अब स्पैचुला से डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल इवनली स्प्रेड करना है, क्योंकि देखने में भी अच्छी लगेगी और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप क्रीम कम डालेंगे तो आप इसके रोल्स भी बना के निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ क्रीम बहुत सारी डाली है क्योंकि क्रीम का ही मेन टेस्ट है इसके अंदर। जब आप इसे खाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि आप वनीला आइसक्रीम खा रहे हैं या फिर केक खा रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर स्प्रेड कर देती हूँ और इसे सेट होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अभी बढ़िया से स्प्रेड हो चुका है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। चलिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे मैं पीसेस में कट कर देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है फ्रेंड्स, अभी कट करते टाइम ऐसा लगेगा कि इसके पीसेस कैसे निकलेंगे, बट ये सेट हो चुका है इसलिए बहुत ही आसान है इसके पीसेस निकालना। तो आपने देखा ना, 2 कप मिल्क में कितनी बढ़िया डेजर्ट बन के रेडी हो गई। अब मैं इसे 8 पीसेस में कट कर दे रही हूँ। कितने आराम से निकल आई, बहुत ही ध्यान से निकालिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है ये। अब आप इसे किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ स्प्रिंकल्स रखे हुए थे तो मैंने इसे उससे गार्निश कर दिया है और थोड़ा सा पिस्ता डाल दूँगी इसके ऊपर। आप चाहें तो सिर्फ ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं या फिर आप इसे प्लेन भी खा सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। चलिए बाकी बचे हुए को मैं पिस्ता से गार्निश कर देती हूँ। और आप इसे रेफ्रिजरेटर में 7 to 8 डेज़ के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।